हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. वेलकम अगेन टू क्लियर आईएएस चैनल. माय नेम इज जया और आज मैं आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, करंट अफेयर का. विच सेज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैंड्स ओवर सेवरल इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट टू इंडियन आर्मी. पर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. और अगर आपको कोई भी डाउट हो देन वो भी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ऑल्सो गो चेक आउट क्लियर आईएएस वेबसाइट. वहां पे आपको नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज सब मिलेगा जो आपकी प्रिपरेशन इजी बना देगा. तो गो चेक आउट clearias.com. ओके, सो ये टॉपिक बेसिकली क्या है, ये करंट अफेयर क्या है. सो ये हमें पता था कि 15th of August को, ठीक है, जब हमारा इंडिपेंडेंस डे हो रहा था, सेलिब्रेट हुआ था. सो उसमें मेड इन इंडिया हाउजर गन और 88GS से पहली बार ये 21 गन सल्यूट किया गया था ये इंडिपेंडेंस डे सेरेमनी पे. उसी के बाद डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह है, उन्होंने बहुत सारे इंडिजिनियसली डेवलप्ड डिफेंस इक्विपमेंट जो थे वो हमारे इंडियन आर्मी को हैंड ओवर किए थे. सो ये उन्होंने ट्वीट किया था दैट हैंडेड ओवर इंडिजिनियसली डेवलप्ड इक्विपमेंट एंड सिस्टम टू द इंडियन आर्मी. दी सिस्टम विल एनहांस द ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस of the army and help them to deal with the future challenges. It is a shining example of India's growing self-reliance progress. ये उन्होंने ट्वीट किया था. So, यहाँ पे वही है कि रक्षा मंत्री ने indigenously developed equipment और system इंडियन आर्मी को न्यू दिल्ली में दिया, ठीक है. एंड इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम एफ इंसान, निपुन माइन हो गए, एंटी पर्सनल माइन निपुन माइन, देन रग्ड एंड ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन सिस्टम विद एनहांस कैपेबिलिटीज and upgraded sight systems for tanks and advanced thermal imagers. Then state-of-the-art high mobility infantry protected with breakers, assault boats. ये सब उन्होंने virtually उन्होंने handover किया है, रक्षा मंत्री ने handover किया है Indian Army को. और उन्होंने handover करते time उन्होंने यही बोला है कि ये जितने भी जो indigenously developed जो equipment है, जो modern equipments है, वो इनेबल करेगा ट्रूप्स को कि वो कोई भी चैलेंजेस जो भी बॉर्डर जब वो बॉर्डर पे होते हैं तो कोई भी चैलेंजेस जो वो फेस करते हैं तो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से टैकल कर सके, रिस्पॉन्ड कर सके उन सारे चैलेंजेस का. सो इसीलिए उन्होंने ये सारे जो भी इक्विपमेंट्स है, सिस्टम्स है, वो हैंड ओवर किए हैं, ठीक है. जो हमें पता है कि प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये उनका एक विजन था कि वो मॉडर्नाइज करना चाहते हैं आर्म्ड फोर्सेस को अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान. सो इसी आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर ही, ठीक है, ये जो विजन था कि आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना है, उसी के अंदर वेरियस यू नो सेक्टर्स, दैट इज इंडियन आर्मी हो गए, देन डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, डीआरडीओ एंड वेरियस इंडस्ट्रीज साथ में आई है एंड उन्होंने ज्वाइंटली डेवलप्ड किया है ये सारे इक्विपमेंट्स एंड ये सारे सिस्टम्स, ठीक है. एंड प्लस राजनाथ सिंह जी ने ये भी बोला है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, जो भी हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे जो भी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है आर्म्ड फोर्सेस के लिए, ठीक है, क्योंकि ये सारे जो अब हमें मॉडर्नाइज वेपन्स चाहिए, ठीक है, ताकि आर्म्ड फोर्सेस को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े या उनके सामने कोई भी फ्यूचर चैलेंजेस आते हैं तो वो उसको बहुत अच्छी तरीके से यू नो उससे निपट सके, उससे टैकल कर सके, ठीक है. देन राजनाथ सिंह जी ने ये भी बोला है कि ये सारे इक्विपमेंट, ये सारे सिस्टम ये इनहांस करेगा, ठीक है, ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस, ऑपरेशनल रेडीनेस हमारे इंडियन आर्मी की, और उनकी जो एफिशिएंसी है उसे भी बढ़ाएगा. फिर उन्होंने एक लाइन बोली दैट इट इज अ शाइनिंग एग्जांपल ऑफ कंट्रीज ग्रोइंग सेल्फ रिलायंस प्रोग्रेस इन पार्टनरशिप विद प्राइवेट सेक्टर एंड अदर इंस्टीट्यूशंस. तो उन्होंने यही बोला कि ये जो हमने आत्मनिर्भर भारत का जो हमने मुहिम किया, आत्मनिर्भर भारत जो हमने स्टार्ट किया, अभियान जो स्टार्ट किया है, तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है, कि प्राइवेट सेक्टर और बाकी के इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट सेक्टर, ये सब दोनों सब यू नो सारे सेक्टर्स मिलके और ये सेल्फ रिलायंस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, कंट्री बढ़ रही है. सो उन्होंने बोला है कि ये एक शाइनिंग एग्जाम्पल है, ठीक है. देन रक्षा मंत्री ने बोला है कि भाई कि इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड जो आर्म्ड फोर्सेस की है उसको हमें पूरा करना है, ठीक है, विद दी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग टाइम्स, ठीक है. एंड ही ऑल्सो अर्ज दी आर्म्ड फोर्सेस टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, कि वो एक्सीलेंस दैट दे शुड गो फॉर द एक्सीलेंस एंड कंटिन्यू डेडिकेटिंग देमसेल्फ टुवर्ड नेशन बिल्डिंग, ठीक. अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे ये एफ इंसान के बारे में. तो पहला क्या है, फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम. तो ये जो एफ इंसान है, सो एफ फॉर फ्यूचर, आई फॉर इन्फेंट्री, एस फॉर सोल्जर, ए फॉर एज एंड एस फॉर सिस्टम. तो ये जो फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम एफ इंसान है, ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, इन्फेंट्री मॉडर्नाइजेशन का, जो हमारे सोल्जर की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाएगा, ठीक है. एंड जैसे कि अब हमें पता है ना कि अब
अगर आप ये सोचो, अगर सोल्जर्स किसी रफ टेरेन पे जा रहे हैं, ठीक है, रफ वेदर को फेस कर रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, अगर उनका जो भी वो पहने हुए हैं, उनके पास जो भी इन्फेंट्री है या जो भी क्लोथ उन्होंने पहने, अगर वो लाइट वेटेड नहीं होंगे, अगर वो हैवी वेटेड होंगे, तो वो अच्छी तरीके से वो मैनेज नहीं कर पाएंगे अपनी जर्नी को। सो इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें जो सोल्जर्स हैं उनको मॉडर्न सिस्टम के साथ इक्विप किया जाएगा, ठीक है, जो लाइट वेटेड होंगे, ज्यादा हैवी नहीं होंगे, देन ऑल वेदर ऑल टेरेन, वो सारे टेरेन सारे वेदर के लिए वो क्या होंगे, वो ठीक रहोगे एंड कॉस्ट इफेक्टिव होंगे। अगर महंगे होंगे, अगर ज्यादा कॉस्टली होंगे, तो इकोनॉमिक पे भी हमारा बर्डन पड़ेगा, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए ताकि इकोनॉमी पे भी ज्यादा बर्डन ना पड़े एंड लो मेंटेनेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब ये फ्यूचर इन्फेंट्री जो सोल्जर्स है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये जो एफ इंसान है बेसिकली, ये इसमें तीन प्राइमरी सब सिस्टम्स है। तीन प्राइमरी सब सिस्टम्स कौन कौन से हो गए? पहला सब सिस्टम है ये मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट असॉल्ट राइफल, जो AK-203-203, ठीक है, वो है हमारा। एंड इसमें जो असॉल्ट राइफल है उसके साथ डे एंड नाइट होलोग्राफिक एंड रिफ्लेक्स साइट्स होगा जो वो एम कर सकते हैं, और उसकी जो रेंज है वो 200 ये जो डे एंड नाइट जो होलोग्राफिक रिफ्लेक्स साइट है उसकी रेंज क्या है, 200 मीटर्स। जो AK-203 की जो रेंज होगी वो हमारी क्या है, वो 300 मीटर्स है, ठीक है। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा एसोल्ट राइफल, जो AK-203 है उसकी जो रेंज है वो 300 मीटर्स है, एंड जो हमारा ये होलोग्राफिक साइट है वो फास्ट एंड एक्यूरेट एमिंग के लिए है, जिसकी रेंज क्या है, 200 मीटर्स है। ठीक, जो ये साइट्स है ये हमारे वेपन के ऊपर भी है, ये हेलमेट के ऊपर, जो होलोग्राफिक एंड रिफ्लेक्स साइट्स है ये वेपन और हेलमेट दोनों के ऊपर है, एंड ये 360 डिग्री विजिबिलिटी देगी एंड एक्यूरेसी देगी ऑपरेशनल कंडीशंस में। मतलब ये जो होलोग्राफिक जो एंड रिफ्लेक्स जो साइट है वो उन्हें डे एंड नाइट दोनों में वो देख सकते हैं, ताकि वो अपने जो भी दुश्मन होंगे या कोई भी होगा तो उसको प्रॉपरली वो क्या कर सके, एम कर सके, वो चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो एक एक्यूरेसी उनके हो जब भी वो किसी भी ऑपरेशन पे जा रहे हैं, तो वो एक एक्यूरेसी हो, किसी भी मिशन पे जा रहे हो तो उनको क्लियर विजिबिलिटी हो, 360 डिग्री विजिबिलिटी हो, ताकि वो अपना जो मिशन है वो कंप्लीट कर सके, ठीक है। और वो जो होलोग्राफिक एंड रिफ्लेक्स साइट है वो उसकी रेंज क्या है, वो 200 मीटर्स है, ठीक है। ये जो इसके ऊपर ये राइफल के ऊपर लगा हुआ है ये है, ठीक है। देन सेकेंड सब सिस्टम है प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसमें हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट दी जा रही है। तो जो हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट है वो प्रोटेक्ट करेंगे हमारे सोल्जर्स को अगेंस्ट 9 mm ऑफ बुलेट्स एंड एम्यूनेशन जो फायर होगा फ्रॉम AK-47 राइफल, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो हमारा जो हेलमेट है उसमें नाइट विजन डिवाइस भी लगा हुआ है, ताकि वो लो कंडीशन, लो लाइट कंडीशन हो उसमें भी हमारे सोल्जर ऑपरेट कर सके। एंड इसमें क्या है, इसमें थर्मल इमेजर साइट का भी इंस्टॉल करने का भी ऑप्शन है, ठीक है। देन थर्ड सिस्टम हमारा क्या है, कम्युनिकेशन एंड सर्विलांस सिस्टम है। सो ये कम्युनिकेशन सर्विलांस सिस्टम में बेसिकली क्या है, ये एक हैंड्स फ्री सिक्योर्ड एडवांस्ड कम्युनिकेशन सेट दिया गया है, एक रियल टाइम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, अपने चाहे वो कमांड पोस्ट के साथ हो चाहे फेलो सोल्जर्स के साथ हो, ताकि वो क्या कर सके, जो हमारा अभी उस टाइम पे जो भी सिचुएशन चल रहा है उसको अवेयर करा सके, अपने फेलो सोल्जर्स को भी उससे अवेयर करा सके एंड अपने कमांड पोस्ट को भी अवेयर करा सके। तो ये कम्युनिकेशन और सर्विलांस इट इज हैंड्स फ्री, ठीक है, एंड ये एडवांस कम्युनिकेशन सेट है एंड रियल टाइम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। तो उससे क्या होगा कि आप मतलब अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई या उनको री इन्फोर्समेंट बुलाना हुआ कमांड पोस्ट से, तो वो तुरंत बुला सकते हैं, ठीक है, इस कम्युनिकेशन एंड सर्विलांस सिस्टम के तहत, ठीक है। तो ये तीन सब सिस्टम है, ये बुलेट प्रूफ हेलमेट एंड विजन, ठीक है, ये वेपन्स उनको दिया गया, ये क्लोथिंग लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट हो गया, ये आपका है राजनाथ सिंह हैंडेड ओवर द एफ इंसान टू इंडियन आर्मी। सो ये देखिए ये हेलमेट है, इसके ऊपर भी नाइट विजन कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे हमारी AK-203 राइफल है, सॉल्ट राइफल है जिसके ऊपर हमारा होलोग्राफिक एंड रिफ्लेक्स साइट है, और हमारा बुलेट प्रूफ वेस्ट हो गया, बुलेट प्रूफ हमारा हेलमेट हो गया। तो ये जो फुल गियर ऑफ एफ इंसान सिस्टम है इसमें AK-203 असॉल्ट राइफल आता है, ये एक रशियन ओरिजिन है एंड इसकी रेंज क्या है, 300 मीटर्स है, बट ये रशियन ओरिजिन है, बट ये बनाया गया था कॉर्बन ईयर अमेठी, ठीक है, और ये रशियन इंडियन जो जॉइंट वेंचर था उसके अंडर ये हमारा AK-203 असॉल्ट राइफल जो एफ इंसान सिस्टम है वो हमारा बनाया गया था, ठीक है। अगर वेपनरी फ्रंट में और देखें तो AK-203 के अलावा भी उनको क्या दिया गया है, एक मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड दिया गया है, वो डिफेंसिव और ऑफेंसिव मोड के लिए,
ठीक है। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करें तो ये जो आइटम्स है ये सारे क्या है, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से सोर्स है एंड प्राइवेट इंडियन इंडस्ट्रीज से। इसमें हमारे डीआरडीओ भी आए हैं एंड बाकी की फैक्ट्री सिस्टम इकोसिस्टम जो हो गए, बाकी की जो इंडस्ट्रीज हो गई, प्राइवेट सेक्टर हो गए, वो भी साथ में आके जो है इन्होंने एफ इंसान्स बनाया है। ठीक। और ये जो डीआरडीओ है उन्होंने ये बोला है कि ये जो एफ इंसान्स है, ये जो एक आर्मी इन्फेंट्री सोल्जर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंडर हमने उसी पे बेस्ड हमने ये एफ इंसान्स बनाया है ताकि जो सोल्जर्स की परफॉर्मेंस हो वो किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन में वो कॉम्प्रोमाइज ना हो सके, सोल्जर्स की परफॉर्मेंस क्या हो प्रॉपर हो सके, यू नो वो ऑप्टिमाइज कर सके सोल्जर्स की परफॉर्मेंस को, तो किसी भी तरीके से सोल्जर्स को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक। तो ये एफ इंसान्स है। नेक्स्ट है एंटी पर्सनल माइन निपुन। सो अब ये जो निपुन माइंस है ये भी इंडिजिनियसली डिजाइंड है, ठीक है, डेवलप्ड एंटी पर्सनल माइंस टर्म्ड बाय डीआरडीओ एज सॉफ्ट टारगेट ब्लास्ट एमिनेशन। सो इसमें क्या है कि ये माइंस तो आप लोग ने सब मूवी में देखे है ना कि लैंड कैसे बिछा दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि ये हमारा एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो जाता है ना, ये कि आप मतलब टारगेट अगर आपके पास आ रहा है, ठीक, अब आपने ये माइंस रख दी है तो उससे क्या है कि टारगेट पहले ही एलिमिनेट हो गया, तो वो एक खतरा का जो लेवल है, डेंजर लेवल जो है वो कम हो जाता है। ठीक। सो ये वही एंटी पर्सनल माइंड निपुन निपुन भी लाया गया है, इसका नाम निपुन दिया गया है। ठीक है। इसको किसने बनाया है, इसको आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे और इंडियन इंडस्ट्री ने, उन्होंने एक नया इंडियन माइन बनाया है जिसको इन्होंने निपुन नाम दिया गया है। ये इनहांस करेगा प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू द ट्रूप्स ऑन द बॉर्डर, बॉर्डर पे जो ट्रूप्स को जो प्रोटेक्शन देनी है, सोल्जर्स को जो प्रोटेक्शन देनी है, तो और बेहतरीन तरीके से ये जो एंटी पर्सनल जो माइन है वो और बेहतरीन तरीके से उनको क्या कर सकता है, और अच्छी तरीके से उनको क्या कर सकता है, प्रोटेक्शन दे सकता है। ये हमारा निपुण ये माइन है। सो ये माइन क्या है, ये माइन बहुत ही पोटेंट है, इफेक्टिव है, ठीक है, देन द एग्जिस्टिंग एंटी पर्सनल माइन। ये जो एंटी पर्सनल माइन है ये ह्यूमंस के अगेंस्ट यूज हो सकता है, किसी भी यू नो एंटी टैंक माइंस के अगेंस्ट यूज हो सकता है, किसी भी हैवी व्हीकल्स के अगेंस्ट यूज हो सकता है। ठीक है। एंड ये छोटे है, स्मॉलर इन साइज है, एंड ये डिप्लॉयड हो सकते हैं इन लार्ज नंबर्स। तो ये एंटी टैंक एंटी पर्सनल ये माइंस है हमारी। एंड ये जो माइंस है वो क्या है हमारी, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करेगी अगेंस्ट द इनफिल्ट्रेटर्स एंड एनिमी इन्फेंट्री। ठीक। ये एंटी पर्सनल माइन हमारा क्या करेगी, ये एक्ट इट विल एक्ट एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द इनफिल्ट्रेटर्स एंड एनिमी इन्फेंट्री। फिर आता है लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट। सो ये लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट बेसिकली ये रिप्लेसमेंट है बोट्स के लिए। ठीक है। मतलब बोट्स में बेसिकली क्या था कि लिमिटेड लोग ही जा सकते थे। सो ये जो लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट है ये करेंटली हमारा पेंगोंग सो लेक जो है लद्दाख वहां पर यूज किया जाता है। ठीक। अब जैसे इसमें ये हमारा है, अगर आप ज्योग्राफी भी पढ़े होंगे तो पेंगोंग लेक जो है वहाँ पे ये हिली एरिया है। ठीक है। पहाड़ वहाड़ है। सो अब जो बोट्स हैं, जो छोटी बोट्स हैं, अब उसमें ज्यादा लोग भी नहीं जा सकते, उसमें 10-15 लोग जा सकते हैं, पेट्रोलिंग के लिए यूज किया जाता है। सो अब यहाँ पे क्या है, पेंगोंग जो लेक है वहां पे हम लोग को बहुत सारे यू नो कॉन्फ्लिक्ट हो रखे हैं, वहां पे स्कर्मिश हमें देखने को मिले हैं। सो उसके लिए जो है पेट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, कि जो सोल्जर्स है उनको पेट्रोलिंग करना उनके लिए इम्पोर्टेंट हो गई है। अब जो छोटी बोट्स है उनकी स्पीड भी कम है। ठीक है। उनकी इतनी अच्छी स्पीड भी नहीं है, देन उनमें ज्यादा लोग फिट भी नहीं हो सकते, वो इतनी अच्छी मॉडर्न नहीं है, मॉडर्न इक्विप्ड नहीं है। सो इसीलिए बहुत प्रॉब्लम्स जो है इंडियन सोल्जर्स को, हमारे जवान को फेस करनी पड़ रही है। ठीक। सो इसीलिए हमारा ये LAC आया है, LCA आया है, लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट आया है। ठीक है। ये बहुत ही वर्सिटाइल है, और ये जितने भी लिमिटेशन जो थे ना स्पीड के, कैपेसिटी भी इनमें ज्यादा बैठा सकते हो आप, स्पीड भी अच्छी है, लॉन्च भी सही है। सो इसीलिए उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए ये लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट ये हमारा लेके आए हैं। ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड है एक्वेरियस शिप यार्ड लिमिटेड गोवा, उन्होंने ये डेवलप किया है। इट हैव बेटर लॉन्च स्पीड एंड एक्यूरेसी, एंड ये ऑपरेट कर सकता है अक्रॉस द वेस्टर्न ऑब्स्टिकल्स इन ईस्टर्न लद्दाख। ईस्टर्न लद्दाख में आप ज्योग्राफी जब आप पढ़ो, या फिर अगर अभी हम लोग चाइना और इंडिया का अगर आप रिलेशन देखो तो उसमें प्रॉपरली ईस्टर्न वेस्टर्न पूरा सब दिखा के रखा है। सो जो ईस्टर्न लद्दाख जो रीजन है ना हमारा, तो उसका टेरेन थोड़ा टेरेन अच्छा नहीं है, थोड़ा हिली एरियाज है, एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। सो इसीलिए ये लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया है, यहाँ पे ये उनको दिया गया है, हमारे इंडियन आर्मी को दिया गया है, ताकि कोई भी जो भी यू नो ऑब्स्टिकल्स जो है ईस्टर्न लद्दाख में पार करने में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वाटर को पार करने में प्रॉब्लम होती है,
तो वो उससे निपट सके, ठीक है, उसको टैकल कर सके, ठीक। एंड ये जो सिमिलर ये वेसल्स है, ये ऑलरेडी हमारा इंडियन नेवी यूज कर रहा है, ये लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट, ये इंडियन आर्मी शोकास कैपेबिलिटी ऑफ लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट डिप्लॉयड इन पेंगोंग लेक बाय द फोर्स अलोंग द एलएसी विद चाइना टू डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टुडे। द बोट कैरीज 35, अब देखिए यहाँ पे 35 कॉम्बैट ट्रूप्स भी आ सकते हैं अब, और बहुत कम समय में ये क्या कर सकते हैं, ये किसी भी एरिया जो किसी भी लेक के किसी भी एरिया में पहुंच सकते हैं। स्पीड भी इसकी अच्छी है, जो बाकी की जो बोट्स है नॉर्मल बोट्स है उससे इनकी स्पीड भी अच्छी है, कैपेसिटी भी इनकी अच्छी है, तो इसीलिए ये लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट जो है वो हमारा लेके आए हैं। अगर बाकी के डिफेंस सिस्टम की बात करें तो बाकी के डिफेंस सिस्टम क्या हो गए, और भी उन्होंने जो राजनाथ सिंह है उन्होंने और भी इक्विपमेंट और सिस्टम हैंडओवर किए हैं, जैसे कि उन्होंने थर्मल इमेजिंग साइट फॉर T-90 टैंक्स भी दिया है। सो ये जो थर्मल इमेजिंग साइट फॉर T-90 टैंक है बेसिकली ये क्या करेगा, ये जो विजिबिलिटी जो रेंज है ठीक है ये एनहांस कर देगा। उसके बाद हमारा हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर, ये हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर क्या होते हैं, ये जो इक्विपमेंट है ये सर्विलांस एंड डिटेक्शन के काम आता है, ये आपको विजिबिलिटी देगा बोथ डे एंड नाइट में, किसी भी एडवर्स कंडीशन में भी देगा सोल्जर्स को, ताकि वो अपने एनिमी के मूवमेंट को उनकी एक्टिविटीज को क्या कर सके, उसको देख सके, उसको डिटेक्ट कर सके। देन एक फ्रीक्वेंसी हॉपिंग रेडियो, ये जो अपग्रेडेड रेडियो रिले है, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग रेडियो रिले है वो टैक्टिकल कम्युनिकेशंस के लिए। तो ये जो रेडियो, ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी हॉपिंग रेडियो है, तो बेसिकली क्या है कि अब अगर जो फॉरवर्ड एरियाज, जो चैलेंजिंग फॉरवर्ड एरियाज हैं ठीक है, सो अब वहां पे अगर कम्युनिकेशन सिस्टम की दिक्कत आ गई, सो अब ये इक्विपमेंट लेके आए हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप बहुत इसकी रेंज जो है, इस रेडियो सेट की जो रेंज है वो काफी ज्यादा है, एडवांस सिस्टम है फ्रीक्वेंसी हॉपिंग टेक्नोलॉजी के साथ, इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है, एंड इसको भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बैंगलुरु जो है उन्होंने इसको क्या किया है, डेवलप किया है। देन इसमें एक डाउन लिंक इक्विपमेंट विद रिकॉर्डिंग फैसिलिटी आते हैं, जो हेलीकॉप्टर्स को हेल्प करेगा इन सर्विलांस मिशन में, ठीक है, ये भी दिया गया है। इससे क्या करेंगे, इससे इससे जो रिकॉनिसेंस डेटा है, मतलब स्टडी ऑफ एनी प्लेस और एरिया मिलिट्री रीजन के लिए, उसके जो भी डेटा है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं जब हेलीकॉप्टर बेस पे वापस आएगा। तो ये डाउनलिंक इक्विपमेंट विद रिकॉर्डिंग फैसिलिटी दी गई है। और क्या दिया गया है, इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल। तो ये जो इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल है IPMV जो है, ये प्रोवाइड करेगा मोबिलिटी एंड ज्यादा प्रोटेक्शन लार्ज नंबर ऑफ इन्फेंट्री सोल्जर्स को जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे पोस्टेड है। क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल्स, तो जो सेकेंड व्हीकल है ठीक है अलॉन्ग विद दिस, ये मतलब ये जो क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल है अलॉन्ग विद इन्फेंट्री मोबिलिटी प्रोटेक्टेड व्हीकल, ये मोबिलिटी को एनहांस कर देगा हमारे ट्रूप्स की इन ईस्टर्न लद्दाख, ये क्विक डिप्लॉयमेंट कर देगा ट्रूप्स का एंड इनेबल करेगा एक मच फास्टर रिएक्शन, इसमें हाई मोबिलिटी एनहांस्ड फायर वर्क एंड प्रोटेक्शन, सो ये फैसिलिटेट करेगा इन क्रिएटिंग मोर एसेंडेंसी इन आर नॉर्दर्न बॉर्डर्स। नेक्स्ट हमारा है मिनी रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम। सो ये जो मिनी रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम है, सो ये बेसिकली बेटर सर्विलांस सिस्टम के लिए काम आएगा, ठीक है, जो भी पहले हमारे ऑपरेशनल लिमिटेशंस जो भी इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट को जो फेस करने पड़ रहे थे, ये जो मिनी रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम है वो खत्म कर देगा। सर्विलांस जो हमारा है, डिटेक्शन एंड रिकॉनिसेंस जो हो गया इन्फेंट्री बटालियन पे, मैकेनाइज्ड यूनिट्स लेवल्स पे, ये सब क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। सो ये हमारा है बाकी के डिफेंस सिस्टम हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, रक्षा मंत्री ने एक और चीज की है, स्केल्स ऑफ एकोमोडेशन SOA 2022। तो जो ये स्केल्स ऑफ एकोमोडेशन है, सो बेसिकली इसमें क्या है कि अब कंस्ट्रक्शन होगा ठीक है, और जो भी फैसिलिटीज ऑपरेशनल फंक्शनल ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लिविंग एंड रिक्रीशन, ये जो भी फैसिलिटीज होंगे उनको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। सो इसी का ऑथराइज कर दिया है रक्षा मंत्री ने इन सब फैसिलिटीज के लिए, ठीक है। सो राजनाथ सिंह ने यह भी बोला है कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं SOA 2022 का, ठीक है, इससे जो भी फैसिलिटीज, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी हमारे डिफेंस सर्विसेज, वो क्या होगा, वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। एंड ये फर्दर ये क्या करेगा, ये इंप्रूव करेगा वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन डिफेंस पर्सनल की, उनके फैमिली की, उनकी। सो उन्होंने डिस्क्राइब करा है ये SOA 2020 एक टेस्टमेंट है, ठीक है, टू दी हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन ऑफ MES। MES क्या होता है, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज। और एक और चीज उन्होंने क्या की है, उन्होंने ये बहुत सारे ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस निकाला है, ताकि
ट्रांसपेरेंसी हो, वो एफिशिएंसी वो मेंटेन कर सके, एंड ये जो जो प्रोडक्टिविटी है हमारी मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज की, उसको भी अच्छी कर सके। ये इसमें क्या आएगा, इसमें बजट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट अप्रूवल, कॉन्ट्रैक्ट, स्क्रूटनी ऑफ वर्क्स एंड उनका स्टेटस, इलेक्ट्रॉनिक कैश बुक, ई गवर्नेंस के अंदर जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ये हो गया, इसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड है कि बजट आप मैनेज कर सकते हैं, अब हम लोग प्रोडक्ट अप्रूवल या कॉन्ट्रैक्ट जो भी है या स्क्रूटनी हम कर सकते हैं कि कितना हमारा ये जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कहाँ तक पहुंचा है, ठीक है कि नहीं है उसका स्टेटस, तो ये सब कुछ ये ई गवर्नेंस एप्लीकेशन के अंदर आया है। फिर ये हमारा ये एक ईआरपी सॉफ्टवेयर होता है। ये ईआरपी सॉफ्टवेयर क्या है हमारा, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो ये जो ईआरपी सॉफ्टवेयर है, ये जो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, बेसिकली इसमें क्या होते हैं कि जितना भी हमारा जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो भी प्रोसेस जो हो रहे हैं उसमें, सो हम उसको क्या कर सके, एक रियल टाइम बेसिस पे हम उसको चेक कर सके, उसके स्टेटस को चेक कर सके। तो ये जो ईआरपी सॉफ्टवेयर है, उन्होंने बोला है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज एंड इंक्रीज करेगा एफिशिएंसी ऑफ दी इंस्टीट्यूशंस। प्लस ये जो पोर्टल्स एंड एप्लीकेशंस भी उन्होंने लॉन्च किए हैं, जो इंक्रीज करेगा वर्क एफिशिएंसी ऑफ एमईएस एंड टाइम भी सेव करेगा। सो ये जो एमईएस है, ये बेसिकली ये क्रूशियल एफर्ट है टुवर्ड द इफेक्टिव ई गवर्नेंस। अब हम लोग ई गवर्नेंस की साइड भी बढ़ रहे हैं, तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने ये मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज निकाला है। तो ये मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज बेसिकली क्या होते हैं, ये बहुत इंजीनियरिंग एडवाइस भी देते हैं एंड वर्क भी एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस ऑफ ऑल दी वर्क्स, बिल्डिंग्स एंड एयरफील्ड्स, डॉक इंस्टॉलेशन, जो भी मिलिट्री से रिलेटेड जो भी सर्विसेज आ गए ये हमारे हैंडल करते हैं। तो ये उन्होंने ई गवर्नेंस भी उन्होंने किया है। नेक्स्ट उन्होंने फर्दर डिजिटल इंडिया के अंडर उन्होंने रक्षा मंत्री जी ने लॉन्च किया है 198 वीडियो मॉड्यूल्स, जो हमारे बहुत जो भी कंस्ट्रक्शन टेक्निक, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज, न्यू ट्रेंड्स जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आ गए, तो ये जो रेलिवेंट सब्जेक्ट है उसके ऊपर ये वीडियोज है, बेस्ड है। एंड ये जो वीडियोस है ये टेलीकास्ट होगी ओवर एजुकेशनल टेलीविजन चैनल वंदे भारत, जो हमारा भास्कर आचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के अंडर आता है। सो राजनाथ सिंह जी ने अप्रिशिएट किया है, मतलब उन्होंने ये बोला है, ये अप्रिशिएटेड द फैक्ट दैट ये जो वीडियोज होंगी वो अपलोड किए जाएंगे ऑन द इंटरनेट एज वेल एज द पीपल एट लार्ज। सो उन्होंने बिसाइड दीज मिलिट्री एडवांसमेंट टेक्निक्स, डिफेंस सिस्टम्स, उन्होंने ये स्केल्स ऑफ एकोमोडेशन के बारे में भी बात की है, उन्होंने ई गवर्नेंस के बारे में भी बात की है, उन्होंने डिजिटल इंडिया में जो 198 वीडियो मॉड्यूल्स उन्होंने उसके बारे में भी उन्होंने बात की है। ओके, तो हमने बाकी सब कुछ देख लिया, अब एक लास्ट चीज देखते हैं। ये जो एफ इन सैस ये जो है ना प्रोग्राम, ये बेसिकली ये जो सिस्टम है, सो ये बेसिकली ना ये सोल्जर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारे चल रहे हैं, तो उसी में से ये एक एफ इंसेंस है। जैसे कि अब यूएस में ये लैंड वॉरियर के नाम से बोला गया, देन यूके में इसको फिस्ट बोला गया। फिस्ट क्या हो गया हमारा, फ्यूचर इंटीग्रेटेड सोल्जर टेक्नोलॉजी। सो एफ इंसेंस हमारा बेसिकली क्या है, ये जो सोल्जर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम अक्रॉस द वर्ल्ड जो चल रहे हैं उसी में से ये एक एफ इंसेंस भी आता है। सो अगर अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट अगर हम देखें तो ओवर 20 आर्मीज अराउंड द वर्ल्ड जो हैं वो ये जो प्रोग्राम है हमारा सोल्जर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम उसको लेके रखी है, ठीक है, उसके तहत काम कर रही है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मॉडल्ड अराउंड द टारगेट्स ऑफ द आर्मी इन्फेंट्री सोल्जर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। देन डीआरडीओ साइंटिस्ट ने रिवील किया है कि सिमिलर इन्फेंट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जो है ये यूएस एंड फ्रांस एंड जर्मनी एंड इसराइल में चल रहा है, उसी को उन्होंने स्टडी किया है और फिर उसी में हम लोग ने अपना इंडियन प्रोजेक्ट निकाला है। और ये जो इंडियन प्रोजेक्ट है ये पूरा इंडिजिनियसली है एक तरीके से, एंड जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट है इस प्रोजेक्ट की वो हमारे आर्मी के बेसिस पे सेट है। ओके, सो ये हमारा क्या है, ये इंडियाज मॉडल है ऑफ द सोल्जर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। सो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो सो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टिल देन बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।